इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बड़ी खबर, नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। ये बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि बैठक में कुल 6 एजेंडों पर मोहर लगी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, गृह, निर्वाचन, परिवहन विभाग के एजेंडों पर मोहर लगी है। तो नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हुई है। अग्निशमन कर्मियों को किया जाएगा प्रशिक्षित। तो इस बैठक के बाद जो अहम एजेंडे उस पर मोहर लगी है। इसमें 25 फरवरी से शुरू होगा विधानमंडल बैठक शुरू होने वाली। और देखिए स्थिति अब यह है कि नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। इस बैठक में कई अहम एजेंडों पर मोहर लगी है। इसमें कुल 6 एजेंडे हैं जिस पर मोहर लगी है। और आपको बता दें कि इस बैठक में नीतीश कैबिनेट के कई मंत्री शामिल रहे हैं। गृह, निर्वाचन, परिवहन विभाग के एजेंडों पर मोहर लगाई गई है। साथ ही साथ अग्नि शमन के जो कर्मी है उन्हें भी प्रशिक्षित किया जाएगा। तो खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी निर्भय किशोर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। निर्भय, कुल 6 एजेंडों पर इस बैठक के बाद मोहर लगाई गई है, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल देखिए पूजा, जिस तरीके से बड़ी बातें कही जाए उसमें सबसे बड़ी बातें ये रही है कि इस बार सबसे बड़ा जो बात रहा वो है ये कि जो 25 तारीख से यानी कि सदन की शुरुआत हो रही है और विधानमंडल के सबसे बड़ी बातें कही गई है। इसके अलावा जो 6 एजेंडे रहे उसमें गृह विभाग, निर्वाचन विभाग, परिवहन विभाग और मंत्रिमंडल सचिवालय संसदीय कार्य, ये जो एजेंडे थे इन सब पर मुहर लगी है। लेकिन इसमें जो खास एक बात और रही वो रही कि अग्निशमन सेवा को और मजबूत करने की बातें कही गई है। यानी कि अग्निशमन के होंगे उनको ट्रेनिंग दी जाएगा और बजाते इसके लिए विहिता में ही उसका केंद्र बनाया जाएगा। और जो और उसमें महत्वपूर्ण बातें रही उसमें ये रहा कि बहादुरपुर थाना और पूर्वी चंपारण का जो पिपरा कोठी है वहाँ थाना भवन के निर्माण को लेकर के बजट पास किया गया है और ये एजेंडे जो रहे वो खास रहे। जी बिल्कुल, बेहद शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए आपको बता दें कि बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि देखिए 25 फरवरी से तमाम जो काम है वो शुरू होंगे। बैठक हुई है, नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हुई है। 6 एजेंडे हैं जिस पर मोहर लगाई गई है। ऐसे में अग्निशमन के जो तमाम आपको बता दें कि लोग हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और इस ट्रेनिंग के बाद स्थितियां जो है उनमें सुधार लाने की कोशिश है। गृह, निर्वाचन, परिवहन विभाग के एजेंडों पर मोहर लगाई गई है। और ऐसे में आज जो ये बैठक हुई है इसमें अग्निशमन कर्मियों को प्रशिक्षित करने की बात कही गई है। साथ ही साथ जिस तरीके से बात करें तो 25 फरवरी से विधानमंडल सत्र शुरू होने वाला, इसकी भी जानकारी इस बैठक के बाद दी गई है। तो ये बड़ी खबर जहां नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है, बैठक के में 6 एजेंडों पर मोहर लगाई गई है। सीधा ले चलते हैं जिस तरीके से आज